कुछ लोग कहने लगे हैं कि एटीट्यूड थोड़ा कम कर ऊपर जाएगा तेरा बाप आया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर एटीट्यूड शायरी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर इस तरह की एटीट्यूड स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपको इस तरह की एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है कैनमास्टर। तो आपको कैनमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कैनमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको 960 की साइज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो हम इस वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची के बगल में क्रॉप वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में वॉलपेपर को जूम कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने फुल स्क्रीन में वॉलपेपर को जूम कर लिया है। बैक आ जाना है, वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लेना है। बैक आ जाना है, फर्स्ट पोजिशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लिंक के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस तरह से बैक आ जाना है। तो आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लग चुकी है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस इफेक्ट की लिंक के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इफेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस इफेक्ट को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको इस तरह से खींचकर इफेक्ट को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। लगाने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बैक आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक बॉर्डर लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस बॉर्डर लाइन को फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आपको कैची के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बैक आ जाना है, बॉर्डर लाइन की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको वीडियो के एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको ट्रिम टू ऐड टू पेड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से आपको सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। आपको इफेक्ट की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको साउंड वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इफेक्ट के साउंड को म्यूट कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अच्छे तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी क्वालिटी आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर सारी एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।